श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के पर्व श्रद्धा उल्लास उमंग के साथ मनाया जाएगा। जहां कलश में शोभा यात्रा के लिए प्रशासन से अनुमति ले ली गई है, वॉलंटियर चिकित्सा टीम पूरे मार्ग पर मौजूद रहेगी। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर निकाली जाने वाली कलश शोभा यात्रा को इस बार भव्य रूप देने का प्रयास किया गया है, जहाँ कलश यात्रा ले जाने वाली महिलाओं के पास एक ही प्रकार के वस्त्र होंगे। मीडिया प्रभारी राजपाल यादव ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के मुख्य अतिथि भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री होंगे। इसके अलावा अतिथि के तौर पर डॉक्टर करण सिंह यादव पूर्व सांसद, डॉक्टर जसवंत यादव विधायक बहरोड, महंत बालकनाथ विधायक तिजारा, रामहेत यादव पूर्व विधायक, ललित यादव विधायक मुंडावर, मामन सिंह यादव पूर्व विधायक, सुमित कुमार कमिश्नर, सीजीएसटी ब्रिगेडियर करतार सिंह यादव हॉकी वाली, सरपंच नीरू यादव मौजूद रहेंगे, जो सभी 26 अगस्त 3:30 बजे कलश एवं शोभा यात्रा को रवाना करेंगे। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस राधा कृष्ण मंदिर पहुंचेगी। रात्रि को भगवान कृष्ण के प्रकट होने तक भजन संध्या कार्यक्रम श्री राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित किए जाएंगे। 11 प्रकार की कृष्ण जन्म की झांकियां सुशोभित रहेंगी। अपनी झांकी को लेकर श्री राधा कृष्ण मंदिर में सभी तैयारियां अशोक शर्मा के सानिध्य में की गई हैं, जहां नौनिहाल अपने अपने किरदार के रूप में तैयारी राधा कृष्ण मंदिर में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी